तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चपाती मसामी पर। मेरा चूरन चूरन है यार। ये देखो, अरे वाह, क्या मस्त मौसम, क्या मस्त धूप निकली आज तो। मैंने कुछ इंडियन व्लॉगर्स देखे हैं, वो एक्चुअली जब बाहर जाते हैं ना तो वो वेट करते हैं क्लाउडी मौसम हो, हल्की हल्की बारिश चल रही हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, लेकिन नहीं। ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ गाइस कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और आपको क्लाउडी वाला मौसम चाहिए, अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर धूप हो तो भाई क्या कहने। आज मैं सुबह बिलीव नहीं करूंगा, सुबह मैं 7 बजे उठा और बाइक राइडिंग गया और अभी आया हूँ। अभी अगर मैं टाइम देखूं तो 12 हो रहे हैं, मतलब कि मैंने मैंने 4 घंटे बाइक चलाई, इतना मस्त मौसम है। और ये देखो गाइस, नई नई आइटमें भी यहाँ पर गार्डन के अंदर निकल चुकी हैं और इस वाले का देखो कैसे खिल रहा है यहाँ पर। और ये रहा आज का नाश्ता, देसी देसी पराठे साथ में दही और यार साथ में अंगूर। तो घर में अचार नहीं था तो मैंने अंगूर और साथ में ये छोटी छोटी बेरीज डाल दी, एकदम अचार वाला काम कर रही है ये भी। मेरे को लगता है कि घर वाले चाहते ही नहीं कि मैं वेट लूज करूं भाई। 4 घंटे बाइकिंग चलाने का फायदा क्या हुआ, देसी घी के साथ आलू के पराठे खा रहा हूँ, लेकिन है बहुत टेस्टी। और बिकॉज फैंटास्टिक नाश्ते को नीचे करने के लिए, दबाने के लिए, हजम करने के लिए फैंटास्टिक चाय। मौसम गाइस आज बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन आज बहुत गंदा होगा, तो पहले से दवाइयां खा लो। उसके बाद हमारा लेजेंडरी फिश अभी यार मेरे आई ड्रॉप्स भी खत्म हो चुकी है, तो मेरे को आज वो भी लेके आने हैं। और अभी चाय का आनंद लेते हैं। अरे गाइस बहुत गंदा फंस गया यार, ये चाय मैंने यहाँ पर रखी थी और जब मैंने पीछे की तो यहाँ पर दाग लग गए। प्लीज कोई मेरे को बताएगा कि चाय के दाग कैसे निकलते हैं, भैंस की आग, बहुत कुटाई होने वाली है आज तो। हट जा मेरे भाई। और कुछ दिन पहले गाइस मैंने ये फिल्म देखी थी, जिंदगी नाम मिले के दोबारा, और क्या फिल्म थी भाई, क्या मस्ती, क्या व्यूज, क्या जर्नी, एकदम मजा आ गया यार। और मेरे को भी ये करना है, तो थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे को पता लगा कि वो एक्चुअली स्पेन में गए थे और ये रहा उनका रूट। तो सबसे पहले गए थे बार्सिलोना, फिर कोस्टा ब्रावा, फिर ये वालेंसिया, फिर बनो, ये बगारा, फिर ये, फिर यो। मेरे को भी जाना है, मैं बहुत टाइम से बाहर नहीं गया, मैं तंग आ चुका हूँ, मैं जहाज की शक्ल ही भूल गया हूँ भाई। लेकिन अभी गाइस प्रॉब्लम ये है कि मेरे को अकेले नहीं जाना। नॉर्मली गाइस मैं अकेले चला जाता हूँ, जहाँ पर भी जाना होता है मैं अकेले निकल जाता हूँ, कोई फंडा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे को गाड़ी हायर करनी है और बहुत ही लंबा ट्रिप है, तो कहीं जंगलों के अंदर फंस गया तो पुलिस को फोन करने के लिए बंदा तो चाहिए ना। तो नंबर वन लॉगी जाएगा नहीं, क्योंकि उसको लॉन्ग जर्नी और लॉन्ग ड्राइव बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा दूसरा कैंडिडेट पप्पू, वो जाएगा नहीं क्योंकि उसको बहुत सारे काम है, काम तो कुछ नहीं होता, ऐसी प्रटेंड कर रहा है मैं तो बिजी हूँ। समझ गया, देखा चाय पी के ना दिमाग एकदम लंबोर्गिनी के इंजन की तरह भागता है। हम जाएंगे हमारे दूसरे नेफ्यू के साथ, जे के साथ, बहुत टाइम से उसको मिला भी नहीं हो और उसको बातें बातें में फुसला के चलते हैं स्पेन, मस्ती मारेंगे। रुको गाइस अभी उसको फोन करता हूँ मैं। हाँ कैसे, अच्छा आ रहा है, अच्छा ट्रेन स्टेशन पर है, रुक मैं तेरे को लेने आता हूँ। आमने सामने बात होगी ना तो थोड़ा बहुत रोक पड़ेगा, फोन तो कुछ नहीं होता। अब ऑब्वियसली गाइस अपनी गाड़ी तो पहुंचनी नहीं है ट्रेन स्टेशन तक, तो भैया की गाड़ी लेके चलते हैं। ऑनेस्टली गाइस भैया को कुछ ज्यादा ही तंग कर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली गाइस वो तो मेरे कुछ बोलते तो है नहीं, लेकिन हर बार उनकी गाड़ी लेके जाना अच्छा नहीं लगता यार, उनके भी काम होते हैं। लेकिन एक बात तो है यार, ड्राइव एकदम सुपर स्मूथ है, ये देख रहे हो भैया की गाड़ी में से अपनी गाड़ी देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे टेंशन होती है अपनी। ये क्या हो गया, ओए भैंस की, ऐसा लगता किसी ने चपेट मेरे को मारी हो। एनीवेज गाइस भैया की गाड़ी लेने की हमारे पास भी कुछ बस वाली स्कीमें होती है, कभी कभी लेके जाते हैं तो गाड़ी धुलवा लेते हैं, कभी पेट्रोल डाल दिया तो भैया भी खुश, वो कहते हैं ले जा उनका खर्चा बच रहा है ले जा। ये देख रहे हो गाइस भैया के टोटके, गाड़ी के अंदर तेल ही नहीं है, खत्म होने वाला है। अभी मैं फंडा समझ गया, मतलब कि गाड़ी गंदी है और तेल भी नहीं है, तो मतलब कि भैया तभी गाड़ी मेरे को देते हैं जब धुलवानी होती है या तेल डालना होता है। मेरे को लगा मैं ही चालाक हूं। हमेशा ये ठगने वाले काम जो है हमेशा स्कैम मेरे साथ ही होता है। ना कोई हेलो, ना कोई नमस्ते, पागल है क्या। यूट्यूब का गाइस आजकल सारा पैसा, धन दौलत जो है, सरमाया जो है, तेल के अंदर ही जा रही है। ट्रक को देखो, ट्रक में तेल लेके जा रहे हैं इसको। ओए पहले तेल नहीं है वो, देखो भाई इसको पता भी नहीं है कौन सा पेट्रोल डलता है। वापिस रख दिया, वापिस रख दिया, पैसे डालने पहले, पेट्रोल मुफ्त का नहीं आता, पहले पैसे देने होते हैं। पोज ऐसे मार रहे जैसे भाई यहाँ पर फोटो शूट हो रहा हो, देखो इसको, एक साला मीटर कैसे भाग रहा, पकड़ इसको, पकड़ो भाई, पकड़ो भाई, वो देखो देखो काम कर, चिंबक लगा इसके नीचे। अरे यार ये तो रुक ही नहीं रहा भाई, कितना तेल डालेगा भाई, रुक जा। मैं खुद आ रहा हूं, कितना पी लिया, और तेरे को नहलाता। फाइनली भाई, फाइनली, वो देखो 92 pound। ये क्या कर रहा है, नहीं गाड़ी धुलवानी है। ओ भाई, ओए ओए पीछे आऊं क्या, हंस भी रहा है, धान दिखा रहा है। और ढंग से तो ये गाड़ी, ओए मैं आ गया, सबको धो दूंगा। ये कैसा साबुन है, अभी से ही चला गया इधर, अरे वाइपर वाला ढक्कन। स्पेन चलते हैं, वहां पर एक बहुत ही बहुत बड़ी धार्मिक जगह।
ट्रेन चलते हैं, बहुत मजा आएगा भाई। दो बंदे जाएंगे, एकदम पूरी फुल ऑन जर्नी करेंगे। गाड़ी भी है, बात कर रहा है। बात मान जा, चलते हैं, बहुत मजा आएगा भाई। जा कब रे? मैं परसों निकल रहा हूँ। पागल है, शॉर्ट नोटिस कंटेंट नहीं बनाया भाई। कोई बात नहीं, कर लेंगे बाद में, कर लेंगे, बड़ा मजा आएगा यार। शॉर्ट नोटिस मत दिया कर ना, जब जाना तो पहले बताया कर। तू महाराज नहीं है, ठीक है ना? महाराज नहीं है यार, चलना प्लीज, मजा आएगा यार। निकल, निकल। यार मेरे को लगा था गाइस जाएगा साथ में, वहाँ पर गाड़ी हायर करेंगे, एकदम फुल ममजा करेंगे, कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रहा है? प्लीज चलना यार, बहुत मजा आएगा। प्लीज तेरे पास एक दिन है मेरे को कन्विंस करने के। हाँ हाँ, मेरे गुरु जी, गुरु। अच्छा मैं कन्विंस करता हूँ। वैसे गलती मेरी है, मैंने एक दिन का नोटिस दिया है, आज मैंने इसको बताया और परसों हम जा रहे हैं, तो यार ऑब्वियसली गलती भी अपनी है यहाँ पर, लेकिन प्लीज चलना यार। मैं बताता हूँ, बताता हूँ तो ऐसे धमकी दे रहा है मेरे को, धमकी आ रही है मेरे को। घंटे से गाड़ी धो रहा है, इतनी देर में मैं जहाज धो लूं, जल्दी कर। यहाँ पर रह गया, यहाँ पर मार। अभी सीख गया हेटे। और अभी गाइस वी आर बैक टू स्टूडियो, और ऑब्वियसली गाइस मैंने फिलहाल कुछ बुकिंग वगैरह तो नहीं की, मैं इसको झूठ बोला, मेरे को लगा था कि वो आ जाएगा लेकिन नहीं आ रहा वो, यार मैं क्या कर सकता हूँ अब मैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, आप लोग मेरे साथ हो तो भाई डरने की क्या बात है, एकदम फुल ऑन मम्जा करेंगे। और अभी मेरे को गाइस रेडी होना, मेरे को बाहर जाना, क्योंकि मेरे को अपने लिए लेके आने आई ड्रॉप्स। मैं सुबह से आंखों के अंदर ऐसे खारिज कर रहा हूँ, ये सारा इस मौसम की वजह से हो रहा है। मौसम अच्छा हो तब प्रॉब्लम, मौसम गंदे हो तब प्रॉब्लम। चूमोगी मत कर अंदर, ये क्या, इसे बोलते हैं रमेश भाई, गाड़िया की कूड़ा बिन भाई, तेरे को बोलो की बिन है ये मेरी गाड़ी को, दरवाजा बंद कर नहीं बैठी अंदर, ये फेंक दे इस गाड़ी को फिर से यार, खोल के आराम से बंद कर इसको, चल चल। ये देख गाड़ी भी चिल्ला रही है आखिरकार। अपनी गाड़ी की इज्जत कोई नहीं करता, लेकिन हम करते हैं, और हम और आप दोनों करेंगे। इस चोमू को देख लो, कदर ही नहीं है गाड़ी की। और अभी हमारे ठाकुर साहब आ चुके हैं, इनको लगता है कि ये माइकल शूमाकर है, चल चला। चलानी आती है ना, क्या कर रहा है भाई, ये ऐसे नहीं करते थे, ठोकने का। चला उधर को आगे लेके जानी है, चल तेरे को वहां से जो है गाड़ी पहले वहां से रिवर्स कर दे, फिर तेल की बोतल लेने जाना मेरे को। ओह यस, और लेट्स गो, हैंड ब्रेक खींच रहा है ये, आराम से तेरे को लेके जानी है। जे ब्रेक मार, अब आके दे, क्या कर रहा है चोमू बंदे, क्या कर रहा है, अजीब कदा बंदा यार, इसके साथ मैंने बैठना ही नहीं है, निकल यहाँ से बाहर। कहाँ से ठोकी इसने वो झाड़ियों के अंदर गाड़ी लेके, पागल। ये तो पहले ही गाड़ी खराब है, ऊपर से ये ठोक रहा है। ये देख रहे हो गाइस टायर के मार्क्स, ये देख रहे हो, ये सारे इसके काम है चोमू बंदे के। यार मैंने ब्रेक मारी थी भाई, तो यहाँ पर भी तूने स्क्रैच किया और यहाँ पर भी तूने स्क्रैच किया। जब तेरे को गाड़ी चलानी आती नहीं तो चलाता क्यों है क्या यार ये? मैं पैदल जा, मेरा घर सामने, पैदल पहुंच रहा हूँ, मैं तेरे को लेने वाला नहीं हूँ। मैंने ये ब्रेक फ्लूइड ना 3 दिन पहले फिल किया था, उसका व्लॉग भी बनाया था, आपको याद होगा। और फिर से लीक, आई थिंक इसने लीक कर दिया मेरा ब्रेक फ्लूइड। रुक मैं चेक कर गया, वापस घर के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ तो कुछ ज्यादा भारी नुकसान हो चुका है, शक्ल ही मनुष्य है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। अब तो पक्का गाड़ी लेनी पड़ेगी, अभी उसकी ब्रेक भी नहीं चल रही, तो मतलब कि मैं उसको ऑक्शन तक भी लेके नहीं जा सकता। तो मैंने सोच के रखा था कि उसको ऑक्शन के अंदर लेके जाएंगे, ऑक्शन बिडिंग वगैरह बोर चलेगा, तो यार वो भी नहीं कर सकता, तो वो भी गया। लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। तो मेरे को तैयारी भी करनी है, बुकिंग भी करनी है, सब कुछ एयरपोर्ट के लिए सब कुछ रेडी करना है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, बाय।